सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का खेल अब लगभग खत्म हो चुका है। कातिल शार्प शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। शार्प शूटर अंकित सेरसा और प्रियव्रत फौजी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन कातिलों ने सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा, उनके साथ भी इस मर्डर के बाद धोखा हो गया। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सिद्धू मूसेवाला को मारने वालों के साथ भी ठगी हुई है और एक नहीं बल्कि दो दो शार्प शूटर्स बता रहे हैं। आरोपी शूटर फौजी ने बताया कि गोल्डी ब्राट ने सिद्धू मूसेवाला हत्या के लिए शूटर्स को लाखों रुपए देने की बात की थी, लेकिन जितने पैसों में डील की थी उतने पैसे शूटर्स को नहीं दिए। हालांकि पुलिस ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। एक के बाद एक और एक खुलासों से तो यही पता चलता है कि मूसेवाला को मारने वाले कातिलों के साथ गोल्डी ब्राट ने ठगी की है। गैंगस्टर गोल्डी ब्राट के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, साथ ही उसे भारत लाने की तैयारी चल रही है, जिसके डर से ये गैंगस्टर अंडरग्राउंड हो चुका है। उसने अपने सभी पुराने नंबर बंद कर दिए हैं। उन सब करीबियों से वह दूरी बना चुका है जिसकी वजह से उस तक पहुंचा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।